नेशनल हाईवे 9 पर गांव बलभा के किसान पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसान डैम का लेवल ठीक करवाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अधिकारी ने धरने पर बैठे किसानों की सुध लेने का प्रयास नहीं किया, जिससे किसान निराश नजर आ रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि ड्रेन का लेवल गलत दिशा में किया हुआ है, जिससे पानी का बहाव नहीं हो पाता और ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट जाती है, जिससे हजारों एकड़ फसल हर साल तबाह हो जाती है। 1995 में प्रदेश में आई बाढ़ के बाद इसका निर्माण किया गया था। उस दौरान जलभराव से मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन लेवल ठीक नहीं होने के कारण परेशानी कम होने की बजाय बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी ड्रेन का लेवल ठीक नहीं किया गया तो गांव भरान के पास से बंद कर दिया जाएगा। इस बारे में नायब तहसीलदार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन के चुनाव में ड्यूटी होने के कारण किसानों के धरने की जानकारी नहीं है। किसानों ने धरना शुरू करने से पहले कोई जानकारी नहीं दी थी। कल छुट्टी होने के कारण किसानों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। सोमवार को किसानों से मुलाकात कर परेशानी जानने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है? भरत सिंह। क्या समस्या है? किस लिए धरने? समस्या ये है जी कि ये हमारी जो ड्रेन का पानी है ना, ये बगैर के आगे नहीं जा रहा। दूसरी बात ये हमारे खेतों में बड़े खास पानी के खेतों में और खुले हो जाती है और इसके टूटने दोनों साइड में इसका पानी पटड़ियों ऊपर से गिरने लग जाता है और हजारों एकड़ फसल में आप भी पानी खड़ा है और ना ही डिपार्टमेंट कोई हमारी मदद कर रहा। फिलहाल करे थोड़ी ही मदद करता है, आगे चला जाता है। ये नाला है जो पश्चिम से साइड में आता है हनुमान मंदिर के पास से, उसकी कोई भी आज तक शुद्ध नहीं ली है मैक में। तो अब आप कितने दिन से धरने पे बैठे हो? हम जी कम से कम 4 दिन से धरने पे बैठे हैं। तो कोई अधिकारी मिलने आया आपसे? नहीं, हमारे से कोई भी अधिकारी मिलने नहीं आया। एक जेई साहब आते हैं, वो कुछ नहीं कहते, वो चले जाते, देख करो तो अपने यहाँ हम चल रही या ना चल रही या देख कर चले जाते हैं और कोई बड़ा अधिकारी नहीं हमारे पास आया। जिन नेता से आपकी बात हुई हो? नहीं, कोई नेता नहीं आया आज तक। तो अभी तक तो कोई ना आगे की क्या कह सकते हैं, कोई आएगा या ना आएगा। और नेता लोग तो अपने वोट लेते हैं और अपनी कुर्सियां चिपक जाते हैं, कोई हमारी मदद करने के लिए कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आया। हम तो ये चाहते